स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल रजा में। जो है आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप सीएससी वेले हैं और आप जो है ए डिस्ट्रिक्ट से आय जात निवास फार्म ऑनलाइन फिल करते हैं, तो आय जात निवास जो फार्म दोस्तों रहते हैं उनको जो हिंदी में टाइप करना रहता है, तो हिंदी जो आप अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होती है। तो आप जो है गूगल इनपुट टूल की मदद से जो है आप इंग्लिश में लिखेंगे और आप हिंदी में वो लिख जाएगा। तो दोस्तों वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं उस पर हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सीएससी वेले हैं, कॉमर्स सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप जो है ए डिस्ट्रिक्ट से कोई भी ऑनलाइन फार्म करते हैं तो उसमें जो है हिंदी टाइप करना रहता है, तो हिंदी टाइप आप जो है गूगल इनपुट टूल की मदद से आप जो है हिंदी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों इसका लिंक हमने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो डाउनलोड किया है पहले हम आपको वो दिखा देते हैं कि चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर पर। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि डाउनलोड फोल्डर, इस पर हमने डाउनलोड कर लिया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं गूगल इनपुट टूल्स डाउनलोड। अब इसको जो है आप ये अलग करना है, तो अलग करने के लिए इस पर आपको राइट पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको ये दिख रहा है एग्जिट ट्रैक्टर है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो ये गूगल इनपुट टूल है दोस्तों ये अलग हो जाएगा दूसरे फोल्डर में। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गूगल टूल इनपुट जो है अलग हो गया है। उसके बाद में आप गूगल हिंदी सेटअप आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको दोस्तों दो मिल जाते हैं, तो दोनों को आप जो है आपको राइट क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद में जो रन एड एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों जो है आपका गूगल हिंदी इनपुट टूल है वो दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको इस पर फिर क्लिक कर देना है, फिर आपको इस पर फिर दोबारा से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे ये हमारा जो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ये दोस्तों इंस्टॉल हो गया है। अब जो है हम इस पर देखते हैं कि जो हमारा ये हुआ है कि नहीं, तो थोड़ा सा हमें इंतज़ार करने की आवश्यकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो गया है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इसको पहले ओपन कर मतलब इसको इंस्टॉल करना है, फिर इसको करना है, तभी आपका जो ये हो पाएगा। तो हम अब जो है इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप दोस्तों जब यहाँ पर लैंग्वेज में आएंगे तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हिंदी गूगल इनपुट टूल्स। अब दोस्तों आप वहाँ पर कैसे टाइप करेंगे तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हमने जो है अपने डिस्ट्रिक्ट जो ओपन कर लिया है, अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं जैसे कि हम निवास प्रमाण पत्र जैसे ऑनलाइन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमको जो है यहाँ पर दोस्तों हम जो है कोई भी फार्म जैसे ऑनलाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पर जो है गूगल इनपुट टूल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी लिखना चाहते हैं, देखिए कितनी आसानी से हम इंग्लिश में दोस्तों अपने कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं और वहाँ पर हिंदी में टाइप हो रहा है, ठीक है। आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत आसानी से आप जो है गूगल हिंदी इनपुट टूल की मदद से इसमें जो हिंदी में लिख सकते हैं और काफ़ी बढ़िया है। अगर आप कोई भी समस्या आती है इंस्टॉल करने में, कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जो रिप्लाई हम देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसका जो लिंक है दोस्तों हमने अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जो है सीएससी वेले हैं और आपने वजन जनसेवा केंद्र के लिए आवेदन किया हुआ दोस्तों, उसमें आयुष्मान की जो सर्विस से लाइव हो गई है, अभी जो है हाल ही में रजिस्ट्रेशन चल रहा है। और अगर आपने चरित्र प्रमाण पत्र जिसे नहीं बनवाया तो उस वीडियो का लिंक हमने नीचे दिया है कि कैसे बनवाना है और कैसे उसमें डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना रहता है, उसमें जो है हमने पूरा प्रोसेस बता दिया है। अगर उसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों जो है आप उसमें से उसको कर सकते हैं सही से। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप ये जानकारी आपको काफ़ी दोस्तों अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रजा पे नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप सीएससी वेले हैं तो आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने सीएससी वेले मतलब जो है वो एम जनसेवा केंद्र लिया
दिया हुआ है और अभी तो जो आपको आईडी पासवर्ड नहीं प्राप्त हुआ है, या फिर आपने वही जनसेवा केंद्र ले लिया है और आपको जो है सर्टिफिकेट नहीं फोटो आ रहा है, तो उसका भी वीडियो जो हमने बनाया हुआ है पहले, उसका भी लिंक जो है, सारे जो लिंक हमने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देखे बहुत आसानी से जो भी आपकी परेशानी है उसको आप हल कर सकते हैं।